What's up guys, this is मुसाफिर अभी शर्मा, you are watching my channel. आज जो वीडियो आने वाली है वो है हिमालयन रॉयल इनफील्ड के ऊपर. काफी अच्छी बाइक है, तो आपको उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आज, किस तरीके की बाइक है और ऑफ रोडिंग में उस बाइक का काफी अच्छा यूज होता है. अगर आप कहीं माउंटेन्स पे ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए काफी अच्छी बाइक होने वाली है. हमारे साथ आज भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको भाई से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. भाई दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए. हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील नेगी है और मैं कुल्लू से हूँ. तो भाई का नाम सुनील है और भाई कुल्लू से हैं. तो कभी विजिट करेंगे तो भाई फेसबुक चलाते हैं, भाई इंस्टा, भाई इंस्टा चलाते हैं, तो भाई आप उनको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. क्या नेम है भाई इंस्टा पर? सुनील लेगी है. कभी भी आना चाहे, कोई दिक्कत वगैरह तो सुनील भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना. अवेलेबल 24 आवर्स. हाँ, भाई के पास हिमालयन रॉयल इनफील्ड है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई से आप पूछ सकते हैं. हमारे साथ आज एक और भाई भी यहाँ पे मौजूद है, तो मिलाना चाहूंगा मैं उनसे. हेलो गाइस, मेरा नाम मुकेश ठाकुर है, मैं मंडी से हूँ. मेरे भाई का चैनल है यूट्यूब में मुसाफिर रवि शर्मा. प्लीज लाइक मेंटन शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, थैंक यू. तो मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल रहने वाली हमारी दिस इज हिमालय रॉयल इनफील्ड, जो कि आपकी है. 410 सीसी का इसका इंजन है. कुछ फ्रंट से कुछ इस तरीके का इसका प्रोफाइल है. फ्रंट में आपको एक यहाँ पे ग्लास मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट लाइट में हेलोजन बल्ब मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं जो कि अभी भी स्पोक्स में आते हैं. यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सस्पेंशन मिलता है. ये जो मोटरसाइकिल है वो बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है. यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं. काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसकी फ्रंट से अगर देखेंगे आप. साइड प्रोफाइल से बात करूँ इस मोटरसाइकिल की, तो इस तरीके का कुछ लुक आता है आपका साइड प्रोफाइल से. तो इस तरीके का इसका साइड प्रोफाइल था. अब बैक प्रोफाइल की बात करें इसकी, तो कुछ इस तरीके का इसका बैक प्रोफाइल है. काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है कलर में. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं इसमें, तो आपको दिया गया है रनिंग डिजिटल मीटर है इसमें आपको दिया गया है, और इसके साथ में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर दिया गया है जिसका मैक्सिमम आरपीएम जाता है आपका 1000 तक, और यहाँ पे आपको फ्यूल का मीटर दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको कंपास भी दिया होता है जो कि एक अच्छी बात है. अगर कई बार आपको पता नहीं लगता है किस साइड जाना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन के लिए भी एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलता है जो कि आपको नॉर्मल बाइक्स में नहीं मिलता है. पीक पावर की बात करूं इस बाइक में आपको मिलती है 24.5 HP की पीक पावर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. जो पहले के हिमालयन मोटरसाइकिल आते थे उसमें आपको मिलती थी 24.3 HP की पीक पावर. कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें नए वर्जन और ओल्ड वर्जन में. ये आपका 2018 का मॉडल है. फ्रंट में और रियर में आपको इसमें स्पोक्स मिलते हैं व्हील के अंदर, जो कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है इसमें, कोई अलॉय वगैरह नहीं डाले गए हैं. तो काफ़ी अच्छी बात भी है और काफ़ी बुरी बात भी बोल सकते हैं. फ्रंट के व्हील की बात करूं तो ये आपको मिलता है 21 इंच का, और रियर व्हील की बात करूं तो ये आता है 17 इंची में. काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इसमें. अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसमें आपको मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm की, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है आपकी. अगर ऑफ रोडिंग वगैरह में जा रहे हो तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको. ब्रेक्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है. अगर आप पहले की बाइक्स के साथ इस बाइक को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी
अच्छी ब्रेक्स दी गई है अब इस बाइक में। पहले की बाइक में उतनी रनिंग में ब्रेक्स कम लगती थी, तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ये हिमालयन बाइक के लिए। और इंजन की बात करूं तो इंजन में भी काफ़ी रिफाइनमेंट की है रॉयल इनफील्ड ने, तो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी पावर है इंजन के अंदर और काफ़ी अच्छा टॉर्क दिया गया है। अगर आप इस बाइक में 5500 RPM से अबव जाते हो तो बाइक जो है वाइब्रेट होना शुरू कर देती है, तो इसकी लिमिट रखी गई है 350 to 550 RPM पर। अगर इस बाइक को चलाएंगे तो काफ़ी स्मूथली चलने वाली है आपकी हिमालयन मोटरसाइकिल, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है राइडिंग करने का। फर्स्ट गियर की स्पीड की बात करूं तो ये 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आपका फर्स्ट गियर में इसकी स्पीड रहती है। सेकंड गियर में इसकी स्पीड चली जाती है 83 किलोमीटर पर हावर और थर्ड गियर की स्पीड इसकी चली जाती है 110 किलोमीटर पर हावर। टॉप स्पीड की बात करूं इस बाइक की तो इसकी टॉप स्पीड है 135 किलोमीटर पर हावर। इससे ऊपर नहीं जाती आपकी हिमालयन बाइक। सीट की बात करूं तो इसमें आपको 200 mm का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है और रियर की बात करूं तो इसमें 180 mm का आपको यहाँ पे ट्रैवल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी सीट वेरी स्मूथ है कंपेयर टू ओल्ड मॉडल में काफ़ी सीट थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आती थी, अब काफ़ी स्मूथ सीट हैं, अब अगर आप बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ब्रेक में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया है और गियर शिफ्ट की बात करूं तो काफ़ी इजीली गियर शिफ्ट हो जाता है हिमालयन रॉयल इनफील्ड के अंदर। अगर क्लच की बात करूं तो अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो इसको तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्लच, जो कि एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। प्राइस की बात करूं इसकी तो ये आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलता है 1,89,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। अगर आपने किसी अलग कलर में लेना है तो कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, तब आपको पड़ता है 1,94,000 के अराउंड। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर अवेलेबल हैं, आप ब्लू कलर में ले सकते हो, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है। और यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा रॉयल इनफील्ड का। साइलेंसर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साइलेंसर है, आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगा तो किस तरीके की इसकी नॉइस है, काफ़ी अच्छी नॉइस है। और आपको यहाँ पे एक शॉकर मिलता है अंदर, आपको डबल शॉकर में नहीं मिलता है हिमालयन रॉयल इनफील्ड। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल मिलता है जो कि बाहर ही दिया होता है। यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है। अब करते हैं हिमालयन रॉयल इनफील्ड को स्टार्ट, तो देखते हैं इसकी नॉइस वगैरह और इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है। और भाई से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा है इसको। हेलो गाइस, जैसे कि हमारे दोस्त मुसाफिर रवि शर्मा आपको रॉयल इनफील्ड हिमालयन के बारे में कुछ बता रहे हैं, वैसे ही मैं भी आपको कुछ इसमें इसके बारे में कुछ मेन पार्ट बताऊंगा। वैसे मैंने भी हाल ही में ये बाइक लिया है तो मुझे भी उतना इसके बारे में नहीं पता है, तो जितना मुझे मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इस बाइक के बारे में। ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। अगर आप कभी भी कुल्लू मनाली में कहीं घूमने आने चाहते हो तो वहाँ के लिए बाइक बेस्ट है। अगर आप कहीं ऑफ रोड जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए बहुत अच्छी बाइक है इसके। अगर भाई कोई लेह लद्दाख जाना चाहता है तो ये बाइक उसके लिए बेस्ट है, मतलब बुलेट वगैरह से बेस्ट बाइक है ये। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम शॉकर सिस्टम बहुत अच्छे है और चलाने के भी बहुत कम। भाई बता रहे हैं इसकी ब्रेकिंग और इसके सस्पेंशन वगैरह काफी अच्छे हैं कंपेयर टू अदर बाइक्स, और चलाने को भी बहुत अच्छी है, चलाने को काफी अच्छी है, कोई थकावट नहीं होगी आपको। अगर कहीं आप दूर के सफर में जाएंगे तो कोई थकावट नहीं होगी। और इस पे भाई कितने बंदे बैठ सकते हैं? बैठने को तो ऐसे आने को तो 3 बंदे भी, पर 2 बंदे में बहुत कंफर्टेबल है, 2 से ज्यादा बंदे कंजेस्टेड जैसा हो जाता है तो फिर 2 बंदे इसमें 2 बंदे आ सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ही 3 बंदे भी डाल सकता है, पर वैसे ये बाइक जो है 2 बंदों के लिए बनी हुई है।
और भाई इसमें कुछ आपको एडवांटेज लगी जैसे जो कि और बाइक में नहीं है, जैसे कोई फंक्शन वगैरह कुछ अलग है इसमें? जैसे कि मैं एक चीज मेन चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देखेंगे ये इसमें ऑयलिंग सिस्टम बताया है कि कितना तेल बचा हुआ है बाइक में, जो कि अदर बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड में आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्लासिक हो उनमें देखेंगे तो उनमें ये सिस्टम नहीं है। और बेस्ट रिका अगर हम लॉन्ग ट्रिप के लिए जाते हैं तो वहाँ के लिए हमें पेट्रोल की पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें कितना पेट्रोल बचा है मुझसे। तो भाई एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इस बाइक की कि अगर आप कहीं पे ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो उसमें आपको ये यहाँ पे शो करेगा कि कितना फ्यूल बचा है, जो कि आपको रॉयल इनफील्ड क्लासिक वगैरह में नहीं मिलता है। तो ये काफी अच्छा एक एडवांटेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें एफ्रोपोविक नाम का साइलेंसर बहुत अच्छा साइलेंसर है और जिसकी आवाज बहुत अच्छी, दूसरों से बहुत इरिटेट नहीं होते हैं, मतलब बहुत अच्छी आवाज है इसकी। तो भाई साइलेंसर के बारे में बता रहे हैं, भाई किस कौन सा साइलेंसर है? एक्रोपोविक साइलेंसर है, तो काफी अच्छी आवाज आती है इसकी, तो जो कि किसी को इरिटेट भी नहीं करती ज्यादा और एक अलग ही लुक देती है इस बाइक को। तो भाई जरा आवाज बताएंगे इसकी किस तरीके की आवाज है? तो भाई आवाज बता रहे हैं इसकी, किस तरीके की आवाज है, काफी अच्छी आवाज है भाई, थोड़ा एक्सीलेट करेंगे। बस भाई बस, तो कुछ डिफरेंट आवाज है, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी जब आप कहीं राइड पे जाएंगे। और आप एक देखेंगे तो इसमें एक किक सिस्टम नहीं है, इसमें आपको किक सिस्टम नहीं दिया गया है और एक ओनली सेल्फ है इसमें, तो ये एक अलग सी फीलिंग देती है जो कि आपको इसी बाइक में मिलती है रॉयल इनफील्ड, जो आपका बुलेट वगैरह है उसमें आपको किक वगैरह दी होती है, तो ये थोड़ा उससे डिफरेंट एक लुक देता है ये बाइक आपको। सीट वगैरह की बात करूं तो कंफर्टेबल सीट है क्यों भाई? बहुत कंफर्टेबल, बाकी बाइक से तो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, आप खुद इसमें राइड करके एक बात देख सकते हैं कि इसकी सीट बहुत अच्छी है। सीट की बात करूं भाई, मैं नेट पे भी देखा था तो इसकी सीट बहुत अच्छी बताई गई है, वहां पर भी कंफर्टेबल, काफी अच्छा कंफर्ट मिलता है आपको इन सीट में। मिरर की बात करूं भाई, जैसे आप स्पीड में चलते हैं तो ये कई बार मुड़ तो नहीं जाते हैं? नहीं, मिरर बहुत अच्छी, मिरर बहुत जरूरी है, जैसे मैं बोलूं तो गाड़ी हो चाहे वो बाइक हो, हर चीज में मिरर जरूरी है। पीछे देखने से अच्छा सा है कि सीधे मिरर देख ले, पीछे से गाड़ी आ रही है बगैर, उसके लिए मिरर बहुत जरूरी है। काफी अच्छी ब्रेकिंग, किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है वो देखेंगे फिर आपको बताएंगे। तो फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया इस बाइक का, काफी अच्छी नॉइस है इस बाइक की गाड़ी। तो ये थी हमारी हिमालयन रॉयल इनफील्ड बाइक। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो में नहीं दी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी फुल ऑन हेल्प करूँगा इस बाइक से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो वीडियो कहीं भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल मुसाफिर रवि शर्मा।
Oh, my God.